बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड किचन। कैसे हैं वीवर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और कैसी जा रही ईद? ईद का चौथा दिन है तो मैं आज बना रही हूँ मटन पुलाव। मटन को मैंने बकरे का गोश्त है, तकरीबन आधा किलो गोश्त था, उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया और अच्छे से ये टेंडर हो चुका है। और एक प्याली जो है चावलों की, ये वाली जो एक कटोरी जो है वो चावलों की, ये मैंने भगो के रख दी है अच्छे से धो के, ताकि चावल जो है वो फूल जाए। और ये दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको ब्रीक ब्रीक मैंने स्लाइस कर लिया, ना ब्रीक है ना मोटा है। दो चम्मच भर के मैं डालूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया डाल के इसको दरदरा से पीस लिया। एक टमाटर है बड़े साइज़ का और कुछ सब्ज मिर्चें हैं जो मैं इसमें डालूँगी। और जो सूखे मसाले हैं उसमें डेढ़ चम्मच नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हाफ चम्मच जो है वो लाल मिर्च है, चम्मच डेढ़ चम्मच भर के जो है वो पुलाव मसाला है। शान का ले लें, कुछ भी ब्रांड का ले लें पुलाव मसाला, और थोड़ी सी कसूरी मेथी खुशबू के लिए। तो ये मटन पुलाव बहुत ही मज़े का, मटन यखनी पुलाव, यखनी भी मैंने निकाल के रखी है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी यखनी भी निकाल के बिल्कुल सिंपल, इसमें मैंने सिर्फ हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के, तो यखनी भी मैंने निकाल के रख ली है, जिसमें मैंने जो है वो बॉईल किया है मटन, वो वाली ये पानी मतलब यखनी है इसकी। कोई मसाले वगैरह नहीं डाला, बस सिंपल ही नमक डाल के हल्दी डाल के, तो मैंने गोश्त को अच्छे से बॉईल कर लिया था। तो मटन पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। आपने मेरे साथ बने रहना और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलते हैं अभी हम कुकिंग की तरफ, तो सब शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। दो चम्मच जो है वो मैंने हाफ कप से कम जो है वो मैंने ऑयल शामिल कर लिया, क्योंकि यकनी में भी काफ़ी ज़्यादा गोश्त का अपना हो ऑयल है। गोश्त में मैं चर्बी लाजमी बॉइल करती हूँ, क्यों ताकि चर्बी आप भी चर्बी के पीस रखा करें, इससे एक तो जो गोश्त वगैरह है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और दूसरा कुदरती भी निकल आता है, जो कि हमारे सेहत के लिए भी ठीक है। तो मैं इसीलिए मैं ऑयल बहुत थोड़ा सा मैंने लिया है, हाफ कप से भी कम है, तो आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक डालें। तो अभी सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, प्याज को हम ब्राउन कलर कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज डाल के प्याज के हम ब्राउन कलर कर लेंगे और फिर हम इसमें हम दूसरे मसाले डाल के अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। आपने मेरे साथ रहना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। जी तो वीवर, प्याज जो है वो लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं, पुलाव है तो इसमें ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करेंगे। तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ ही टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी मैं डाल दूँगी, ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और इसको टमाटर नरम होने तक फ्राई करेंगे और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसको हम इसके कच्चेपन दूर करने के लिए इसको अच्छे से फ्राई करें। खाना तो सभी बना लेते हैं, पुलाव भी सभी बना लेते हैं, लेकिन हर बंदे का अपना तरीका होता है। और मैं बहुत इजी और डिफरेंट तरीके से आपको सिखाऊंगी जो है मैं कैसे बनाती हूँ मटन पुलाव। बीफ पुलाव की भी मैंने रेसिपी शेयर कर दी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और अभी मैं मटन पुलाव बना रही हूँ, वो यखनी बीफ पुलाव था और ये मटन पुलाव है। तो अभी हम इसको दो तीन मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर जैसे ये नरम हो जाएगा तो हम अपना गोश्त शामिल कर देंगे। जी तो वीवर, अभी मैं इसमें सूखे मसाले शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सूखे मसाले भी जो हैं वो अच्छे
मसाले में फ्राई कर लेंगे। जी तो वीवर मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अभी मैं गोश्त शामिल करके गोश्त को भी इस मसाले में अच्छे से फ्राई करूँगी, ताकि जो जितना भी मसाला है टेस्ट और सूखा मसाला, दूसरा मसाला जो ड्राई मसाला, तो सबका टेस्ट जो है वो इससे इसमें आ रहा है, और हमारा पुलाव जो है वो बहुत ही मज़ेदार और यम्मी किस्म का बन जाए। तो अभी हम इसको तकरीबन जब तक ऑयल रिलीज नहीं होता, ऑयल अलग नहीं होगा, तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, भूनेंगे इस मसाले में। बहुत ज़बरदस्त खुशबूएँ आ रही हैं पुलाव मसाले की और दूसरे मसाले की। जी तो वीवर अभी इसमें मैं दो टुकड़े दालचीनी के और कुछ काली मिर्च शामिल करूँगी और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और ऑयल तकरीबन सेपरेट हो गया है। अभी हम जो गोश्त जिसने बॉइल किया था वही वाला पानी इसमें शामिल करेंगे, ताकि टेस्टी बने पुलाव। देखें माशाल्लाह से ऑयल जो है देखें रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है, तो अभी हम इसमें अपना पानी शामिल करते हैं। जी तो वीवर गोश्त वाला पानी ही मैं इसमें शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी कह लें या जिसने बॉइल किया है, बिल्कुल नमक डाल के, हल्का सा नमक डाल के और हल्दी डाल के इसको किया है। अभी हम एक गिलास और डालेंगे। देखिए माशाल्लाह से खुशबूएं बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं, पानी में बॉइल आ गया है। तो अभी हम जो एक्स्ट्रा पानी है चावलों का वो निकाल लेंगे, इसमें चावल भगोए हुए हैं ये देखें, सारा पानी निकाल लेंगे। और अभी हम इसमें चावल शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल देखें बनस्पति के चावल हैं, कर्नल बनस्पति के, और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये चावल। तो हमने ज़्यादा चम्मच नहीं खाना, सिर्फ एक दफ़ा हल्के हाथों से चम्मच हिलाना है और पानी ड्राई होने देना। जैसे पानी ड्राई होगा देखेंगे कि अगर चावल गल गए, ठीक नहीं गल गए तो हम इसको दम लगा देंगे। फिर देखें यहाँ बबल बनना स्टार्ट हो गए, पानी जो है खुश्क हो गया। तो अभी हम नॉर्मल हाथों से बिल्कुल हल्के से हम इसको एक दफ़ा हिलाएंगे, ताकि सारा मसाला जो है गोश्त जो है वो इक्वल हो जाए, और आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और हम इसको कोने का दम लगा देंगे। चम्मच को पहले हम हटा देते हैं, इधर रख देते हैं और दम लगा देते हैं। तकरीबन 15 मिनट का दम है, तो आंच को भी स्लो कर देते हैं और हम मिलते हैं पूरे 15 मिनट के बाद। आपने मेरे साथ रहना और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलो मिलते हैं 15 मिनट बाद।